चंचाकर भैया जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद हमारी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 चंचाकर भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 जय सरकार निकल रही है जिसके जितनी संख्या भारी जिसके जितनी संख्या भारी पिछड़ों के सम्मान में पिछड़ों के सम्मान में जो जाति जनगणना जो है देश में 1931 में हुई थी उसको जो है अभी तक जाति जनगणना कराई नहीं गई है। हमारी मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए ताकि OBC के जो है उसका शैक्षिक और उसका जो पारिवारिक जो स्थिति है उसको सामने लाया जा सके। इसी को लेकर जो है बाबा साहब ने जो है 27 सितंबर सितंबर 1951 को बाबा साहब ने माननीय श्री रमेश भारती जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हमारे बीच में आ गए हैं और आगे की बात जो है हम कहेंगे हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी क्या मांगे। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय OBC की जातिगत जनगणना कराने के संबंध में महामहिम ज्ञात हो कि पिछले महीने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल सरकार आगामी 2021 की जनगणना जात आधारित नहीं होगी। सरकार का यह फरमान पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण का विरोधी है। किसी भी राष्ट्र का समेकित विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि हाशिए के समाज को विकास की मुख्य धारा से न जोड़ा जाए। बेहद ही ताज्जुब की बात है कि 1931 में हुई जात आधारित जनगणना के बाद से अभी तक जात जनगणना नहीं हुई है। वर्ष 2011 के जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र किए गए लेकिन उसे जारी नहीं किया गया। सरकार ने लोगों के टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। महोदय यह बिल्कुल झूठ है कि पिछड़ों की जातिगत जनगणना कराए जाने से समाज अगड़ा पिछड़ा में बढ़ जाएगा, नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा। देश में सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि समाज में संसाधन साधन धन धरती भागीदारी का बंटवारा कैसा है। सही जनगणना होने से सरकार को पिछड़े वर्ग के किसकी कितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर विकास के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भी मजबूत होगी और देश के सभी वर्गों का समेकित विकास संभव हो सकेगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं अपने आप को OBC कहते हैं और OBC के कल्याण का वादा करके ही वो सत्ता में आए हैं। अब सरकार का अपने वादे से पलट जाना दुखद है। अपनी इस मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कांसीराम आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिख रही है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में तत्काल अपनी मंशा जाहिर करे और आगामी 2021 की जनगणना जात आधारित कराना सुनिश्चित करे, अन्यथा आजाद समाज पार्टी कांसीराम आगामी आंदोलन के अगले चरण में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी। धन्यवाद। अजय कुमार आनंद जिला अध्यक्ष।